हेलो गाइस, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ डिजिटल पिन डिजाइनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, वो है कलर मैचिंग का। एंड कलर मैचिंग का हमारा सेकंड पार्ट का वीडियो, आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। उसमें मैंने कलर कॉन्टेक्स्ट एंड कलर मैचिंग के लिए जो बेसिक चीज जानना जरूरी है वो मैंने बताया हुआ है। सो कलर मैचिंग का जो सेकंड पार्ट का वीडियो, उसमें मैं बताऊंगा आपको ब्राइट कॉम्बिनेशन कैसे क्लियर किया जाता है, ब्राइट कॉम्बिनेशन के साथ साथ आपको ब्राइट मैचिंग कैसे आप बना पाएंगे। क्योंकि ब्राइट कॉम्बिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल बनाना पड़ता है, देन आप एक ब्राइट मैचिंग आप क्रिएट कर पाते हैं। क्योंकि मैचिंग का मतलब ये होता है कि सेट ऑफ कॉम्बिनेशन, आप अगर कोई भी एक डिजाइन में फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ता है डिजाइन को फाइनल कलर देने के लिए, एंड उसके बाद वही कॉम्बिनेशन से रिलेटेड दूसरा और भी चार पाँच छः सात आठ आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग आपको कॉम्बिनेशन क्रिएट करना पड़ता है, देन आप उसी कॉम्बिनेशन को एक साथ हम कलर मैचिंग ही बोलते हैं। सो आपको सेटअप कॉम्बिनेशन क्रिएट करना आना चाहिए, एंड उसके साथ साथ आपको कलर कॉम्बिनेशन के लिए एक कलर के साथ दूसरा कौन सा कलर यूज करेंगे तो उसका डिजाइन का लुक एंड इनहेंसिटी एंड प्योरिटी अच्छा आएगा, वो चीज़ आपको देख के वो चीज़ आपको समझ के यूज करना है, तभी आप एक डिजाइन में अच्छा कलर कॉम्बिनेशन एंड कलर मैचिंग आप क्रिएट कर पाएंगे। तो वो सारा चीज़ इस वीडियो में पूरा डिटेल में कवर अप कर दूंगा। सो आपको आई होप बहुत नया कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा कलर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, कलर मैचिंग आपको क्रिएट करने के लिए। एंड वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ रिव्यू देने वाला हूँ, जो कि हमारा तंजी डेस्क का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बहुत सारा जो फ्रेशर डिजाइनर है उन्होंने जुड़ा हुआ है, तो वो रेगुलरली डिजाइने भेजते हैं बना के, तो वो डिज़ाइन का मैं रिव्यू आपको दूंगा कि उस डिज़ाइन में क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छा है, कौन सा चीज़ और बेटर कर सकते हो, वो चीज़ मैं आपको सारा बता दूंगा वीडियो के लास्ट तक। सो चलिए शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर इस तरह नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बिल को दबा दें ताकि जब भी इस टाइप का लर्निंग वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो जाए। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। सलाम एंड नमस्कार, मेरा नाम राकेश रहमान, आई एम टेक्सटाइल डिजिटल डिजाइनर एंड वेलकम बैक टू तंजी टेक्स। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कलर कॉम्बिनेशन, एंड कलर कॉम्बिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो ब्राइट मैचिंग आप कैसे क्रिएट कर पाएंगे। एंड ब्राइट मैचिंग क्रिएट करने के लिए आपको पहले ब्राइट कलर्स को जानना जरूरी है, ब्राइट कलर के साथ साथ उसका जो कॉन्ट्रास्ट कलर कैसे यूज होता है वो भी जानना जरूरी है। तो उसके रिलेटेड मैंने दो वीडियो तीन वीडियो टोटल बना के रखा हुआ है, जिसमें कलर थ्योरी, कलर कॉम्बिनेशन, कलर हार्मनी एंड ऑफकोर्स कलर कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताया, जो चीज़ आपको बहुत ही जानना जरूरी है कलर मैचिंग के करने से पहले आपको वो चीज़ बहुत ही जानना जरूरी है। तो आपने अगर नहीं देखा हो तीनों वीडियो चारों वीडियो तो आप पहले वो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखने आइए, बिकॉज वो चीज़ का आपको अगर नॉलेज हो जाएगा तभी आप अच्छे से कलर मैचिंग कर पाएंगे। सो आई होप आपने देखा होगा तो वही समझ के मैं आपको आगे का क्लास बताने वाला हूँ। तो चलते अपने पीछे, मैंने कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे आप कलर कॉम्बिनेशन में बहुत ही बेटर रिजल्ट ला सकते हैं, कलर का प्योरिटी एंड कॉन्स्टेंटली मेंटेन रख सकते हैं, एंड उसके साथ साथ कलर मैचिंग भी क्रिएट कर पाएंगे बहुत ही बेहतरीन। सो आगे अपने पीछे में आपको दिख रहा होगा, मैंने फोटोशॉप खोला हुआ है एंड एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया हुआ है, बाद में आपको डिजाइनिंग का बहुत सारा एग्जाम्पल आपको देने वाला हूँ। एंड फोटोशॉप का 2017 का सीसी वाला वर्जन मैं यूज़ करता हूँ, एंड आप लोग कोई भी वर्जन यूज़ करें उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैचिंग के लिए आपको जस्ट कलर का सेंस होना जरूरी है, बाकी दूसरा कोई भी चीज़ मैटर नहीं करता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को दिखा दूंगा जो कि ब्राइट कलर कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ हुआ है, एंड ब्राइट कलर कॉम्बिनेशन यूज़ होता है क्योंकि ब्राइट कलर कॉम्बिनेशन में लाइट रेंज का भी यूज़ कर सकते हैं, आप डार्क रेंज का भी यूज़ कर सकते हैं। डार्क कलर का फ्लावर या तो डार्क कलर मोटिव ले सकते हैं, ब्राइट कलर का फ्लावर एंड ब्राइट कलर का मोटिव भी आप ले सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ, कुछ डाउनलोड करके मैंने रखा हुआ है, कुछ इमेज मैंने बनाया था तो उसका सब एक फोल्डर वाइज रखा हुआ है। जैसे कि ब्राइट रेंज में जैसे यूज होता है वो चीज़ मैं आपको पहले दिखा दूँ। ब्राइट कलर में जो भी यूज होता है उसमें क्या होता है, जो कि हमने ब्राइट कलर का बैकग्राउंड लेते हैं उसके बाद हम लाइट रेंज का कोई फ्लावर या तो कोई भी मोटिव हम यूज़ करते हैं, या तो हम लाइट रेंज जस्ट उसके डिज़ाइन से लाइट निकाल देते हैं, व्हाइट निकाल देते हैं। सिंपल बात जो है, जो पहला आपको डिज़ाइन दिख रहा होगा यहाँ पे, इस डिज़ाइन में देखिए जो मेन है वो फोकस उसी पे है कि आपसे जो ब्राइट कलर है, जो रेड कलर का जो बैकग्राउंड है उसी के ऊपर फोकस है। सो इट मीन्स इसमें क्या है, आपका जो रेड कलर है वही ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, वही ज़्यादा दिख रहा है। तो हमें मार्केट में जब डिज़ाइन प्रेजेंट करना है तो हमें मेन मोटिव होना चाहिए कि हमें क्या दिखाना है, कस्टमर को क्या पसंद करवाना है, कस्टमर क्या डिमांड कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिज़ाइन बनाते हैं। तो हम अगर कस्टमर बोले कि ब्राइट कलर कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन चाहिए, ब्राइट कलर मैचिंग चाहिए, तो हमें यह समझना है कि ब्राइट कौन सा चीज़ देना है, ब्राइट फ्लावर का मोटिव ब्राइट देना है कि हमें बैकग्राउंड जो यूज़ हो रहा है वो ब्राइट देना है। बिकॉज हम बैकग्राउंड देंगे तो वो ज़्यादा पोर्शन होता है, उसमें हमें ज़्यादा उसको प्ले कर सकते हैं, उसको ज़्यादा इंप्रेशन हम डाल सकते हैं डिज़ाइन में। तो इसलिए इसका बैकग्राउंड ब्राइट कलर का लिया हुआ है, ज़्यादातर कुछ दिया हुआ नहीं है, सिंपल एक सिंगल फ्लावर को बंच क्रिएट करके पूरा रिपीट बनाया गया, एंड बहुत ही सिंपली सोबर लग रहा है डिज़ाइन।
जिसमें बेसिकली रेड कलर यूज़ किया गया है, ग्रीन कलर का लीफ यूज़ किया गया है, एंड उसका जो फ्लावर का अंदर का जो थोड़ा सा कलर है वो थोड़ा सा ग्रीनिश एंड सॉरी पिंकिश एंड ऑरेंजिस टाइप का, तो इसलिए दो टोन मैंने लिया हुआ है, एंड उसका जो व्हाइट स्टोन है वो व्हाइट टाइप का एक टोन यहाँ पे लिया हुआ है। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने डिज़ाइन के साथ उसका कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे रखा हुआ है, जो कलर पैलेट है वो भी मैंने रखा हुआ है। फिर दूसरा नेक्स्ट डिज़ाइन में आते हैं, इस डिज़ाइन में देखिए इसमें भी ब्राइट कलर रेंज दिया हुआ है, जो कि ब्लू कलर का जो सबसे हाईएस्ट ब्राइट कलर है वो कलर रेंज यहाँ पे लिया हुआ है, एंड उसके बाद हमने जो मोटिव इसको यूज़ किया, जो फ्लावर सिंगल एक दो फ्लावर का बंच क्रिएट किया गया है, उसके बाद वही फ्लावर को व्हाइट रेंज का फ्लावर लिया गया, उसके साथ ग्रीन कलर का लीफ लिया गया, सिंपली बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है डिज़ाइन, रिपीट मार्क यूज़ होता है, डिज़ाइन बहुत बार रिपीट भी हुआ है। तो बेसिकली इस डिज़ाइन का उद्देश्य यही है कि हमने ब्राइट कलर का बैकग्राउंड लिया एंड लाइट कलर का फ्लावर लेके पूरा डिज़ाइन में एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट रेडी किया है। एंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने पेंटोन का जो पैलेट क्रिएट किया है कलर का, उसमें ब्लू कलर का बैकग्राउंड एंड उसके साथ पिंक कलर का फ्लावर एंड ग्रीन कलर का पत्ती, एंड कोई भी डिज़ाइन में आप अगर कॉम्बिनेशन बनाएं, आपको मैं रिकमेंड करूँगा गाइस, हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप उसमें कलर पैलेट यूज़ करें, चाहे तो उसको डिज़ाइन बनने के बाद यूज़ करें, या तो आप डिज़ाइन बनने से पहले, आप अगर बिगिनर है फ्रेशर है तो पहले डिज़ाइन बनने से पहले पैलेट फिक्स कर लें। एंड कलर व्हील में जो अकॉर्डिंग टू कलर व्हील हमने यहाँ पे लिया हुआ, जैसे ब्लू के साथ हमने पिंक कलर लिया हुआ, उसके साथ ग्रीन कलर का पूरा एक कॉम्बिनेशन बनाया गया। फिर नेक्स्ट में आते हैं, हमने एक बांधनी का डिज़ाइन है, बांधनी का डिज़ाइन में जो कि राजस्थान पैटर्न एंड अपना जो पंजाब रेंज का जो कलर होता है वो बहुत ब्राइट कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो भी बांधनी का डिज़ाइन आएगा, जो भी बांधनी का डिज़ाइन मैं नेक्स्ट में अभी दिखाने वाला हूँ, तो बेसिकली बांधनी का डिज़ाइन राजस्थान पैटर्न में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एंड जो ब्राइट कलर का फ्लावर हो, ब्राइट कलर का बैकग्राउंड लेकर जो भी डिज़ाइन क्रिएट होता है वो पंजाब रेंज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो अभी इस डिज़ाइन में आपको दिख रहा होगा जो कि व्हाइट कलर का पूरा एक बांधनी का जो दाना जो है पूरा लाइन क्रिएट किया गया, बांधनी का इफेक्ट दिया गया, उसके साथ साथ येलो कलर का यूज़ किया है एंड गाजरी कलर का पूरा एक बैकग्राउंड यूज़ किया गया। सो बेसिकली कलर मैचिंग में आपको पूरा कॉम्बिनेशन के हिसाब से पूरा कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से पूरा बिठाया गया। नेक्स्ट में और एक है, इसमें देखिए सिर्फ कलर का जो व्हील है, कलर का जो प्लेट है, एक एक कलर का वो लिया गया है, एंड उसके बाद पूरा एक पट्टी देके पूरा डिज़ाइन में एक सिंपली कलर कॉम्बिनेशन देके पूरा एक डिज़ाइन का जो बांधनी टाइप का इफेक्ट होता है वो क्रिएट किया गया है। एंड इस डिज़ाइन में भी आपको दिख रहा होगा मैंने अलग अलग टोन लिया गया है, एंड जो कि मैंने डिज़ाइन बनाने के बाद ये पेंटोन क्रिएट किया है, तो वो इसमें देखिए पिंक कलर छूट गया है, तो कोई बात नहीं, बेसिकली आपको समझाने का ज़रूरत है कि आपको कलर रेंज कैसे यूज़ करना है, कलर का जो कॉम्बिनेशन है कैसे यूज़ करना है, ब्राइट कॉम्बिनेशन इस टाइप का यूज़ करना है। एंड ब्राइट कॉम्बिनेशन में आपको रिकमेंड करूँगा गाइस, आपका कोई भी डिज़ाइन हो उसमें हल्का सा व्हाइट या तो चीकू आप निकालने की कोशिश करिए, चाहे कोई भी हो, 10% हो, 20% हो, तो उसमें डिज़ाइन का जो लुक है ना बहुत ही मासूम लगता है, बहुत ही ब्राइट और लगता है डिज़ाइन में, बहुत ही और एक लेवल तक डिज़ाइन का जो लुक है वो बढ़ जाता है। दूसरा डिज़ाइन लेते हैं, उसमें देखिए इस टाइप का जो डिज़ाइन है ये भी बांधनी का डिज़ाइन है, ये भी राजस्थान पैटर्न में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एंड इस टाइप का डिज़ाइन में भी देखिए सिंपली मैंने फिरोजा कलर का जो साइन कलर का बैकग्राउंड लिया गया, उसमें ब्लू कलर का एक पट्टी स्ट्राइप दिया है, उसके साथ पिंक कलर यूज़ किया गया कॉन्ट्रास्ट में, एंड व्हाइट निकाल के पूरा डिज़ाइन में कॉम्बिनेशन तैयार किया। एंड सिंपली और भी दूसरा जो डिज़ाइन है वो अभी फिलहाल नहीं, उसको बंद कर देते हैं, एंड सब डिज़ाइन को फिलहाल बंद करने के बाद मैं दूसरा डिज़ाइन खोलता हूँ जो कि डार्क कॉम्बिनेशन में, अभी मैंने जो आपको बताया वो सब ब्राइट कॉम्बिनेशन में, एंड अभी थोड़ा सा आता है कि ब्राइट के साथ डार्क कॉम्बिनेशन कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि दो पटोला वाला जो दुपट्टा है मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, जो पटोला वाला दुपट्टे में जो यूज़ हुआ है उसमें ब्राइट कॉम्बिनेशन बैकग्राउंड में लिया गया है, एंड उसके साथ साथ डार्क का जो कलर है वो हम यूज़ करके पूरा दुपट्टा में बनाया गया। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो ब्राइट कॉम्बिनेशन है वो रेड कलर का ब्राइट हमने ग्राउंड में लिया गया है, एंड उसके साथ जो दूसरा जो मतलब जो सिमिलर कलर है या तो जो सपोर्टिंग कलर है वो हम लिया है ब्लू कलर का, जो कि नेवी ब्लू टाइप का थोड़ा सा कलर है, फिरोजा का डार्क कलर, एंड उसके बाद जो कि बॉटल ग्रीन टाइप का जो डार्क कलर है, ग्रीन का जो डार्क कलर है वो लिया गया है। तो बेसिकली इस डिज़ाइन में आपको ग्रे आपको दिख रहा होगा, ग्रे है इसका जो पिंक है, तो बेसिकली सब तरीके से पूरा कलर यूज़ किया गया। तो बेसिकली आपको समझना जरूरी है कि कौन सा कलर कहाँ पे यूज़ करेंगे तो डिज़ाइन का लुक अच्छा आएगा। तो ये डिज़ाइन में समझाने का उद्देश्य यही है कि डिज़ाइन में ब्राइट के साथ डार्क कलर यूज़ करके पूरा कॉम्बिनेशन बनाया गया। फिर दूसरा एक डिज़ाइन में दिखा देता हूँ, वो भी डिज़ाइन में देखिए जो ब्राइट कलर येलो कलर हमने बैकग्राउंड में लिया है, उसके साथ साथ डार्क कलर यूज़ करके बाकी जो सपोर्टिंग कलर डार्क यूज़ करके पूरा डिज़ाइन में कॉम्बिनेशन क्रिएट किया गया। ठीक है, वो दिख रहा होगा मरून लिया गया, कॉफ़ी लिया गया है, ग्रीन लिया गया, सब डार्क उसके कलर लिया गया। तो ब्राइट के साथ आप लाइट भी ले सकते हैं, ब्राइट के साथ डार्क भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। सो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है, मैं आपको कलर कॉम्बिनेशन का, कलर मैचिंग का पूरा एक एग्जांपल देता हूँ जो कि थंबनेल में आपने देखा है, जो कि फ्लावर का जो हमने चार पांच मैचिंग क्रिएट करके रखा हुआ है, तो फ्लावर का कॉम्बिनेशन मैं एक बार खोल के आप लोगों के सामने दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में कैसे मैचिंग क्रिएट किया गया है। देन मैं आपको एक कलर मैचिंग करके पूरा एक डिज़ाइन में कलर कॉम्बिनेशन करके पूरा कलर मैचिंग करके आपको दिखा दूंगा, पूरा लाइव आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप समझ लीजिए,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक एक मैचिंग को देखना है उसमें कैसे कलर कॉम्बिनेशन किया गया। जैसे ये वाला कॉम्बिनेशन आप देखिए यहाँ पे फिरोजा कलर का या तो आप साइन कलर का पूरा बैकग्राउंड लिया गया, उसके साथ हमने यहाँ पे रेड कलर का उसका कॉन्ट्रास्ट कलर लिया गया जो कि गाजरी टाइप का कलर उसमें जो फ्लावर में दिया गया, उसके साथ हमने यहाँ पे लिल ग्रीन टाइप का या तो येलो इस टाइप का पूरा फ्लावर को यूज़ किया गया एंड उसमें हमने पूरा ग्रे कलर का लीफ या तो पत्तियाँ हमने यूज़ किया है। फिर कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन में पूरा डिज़ाइन बना है एंड उसके बाद फिर ये वाला जो है इसमें देखिए इसमें भी आपको ग्रीन कलर का साथ आपको दिख रहा होगा रेड कलर का हमने फ्लावर का छोटा छोटा जो फ्लावर लिया है उसके साथ ग्रे कलर का हमने जो पत्ती है वो यूज़ किया है, उसके बाद जो भी फ्लावर में कलर है वो हमने यूज़ किया है। एंड दूसरा दूसरा जो मैचिंग है उसमें भी आपको दिख रहा होगा सेम तरीके से इसमें जो पत्ती का कलर लिया गया वो थोड़ा सा फ्यूजियस टाइप का है, उसमें जो फ्लावर का कलर लिया गया वो ऑरेंजेस या तो गोल्डन टाइप का कलर लिया गया है एंड इसका जो फ्लावर का कलर है वो थोड़ा सा ग्रेस टाइप का कलर लिया गया, थोड़ा सा फ्यूरोजेस ग्रेस टाइप का लाइट टाइप का टिंट यूज़ किया गया सिंपली। एंड दूसरा जो मैचिंग है उसमें भी वही तरीके से यूज़ किया गया, मेनली फ्लावर का कलर लाइट रेंज का कलर है एकदम बहुत ही ब्राइट रेंज का, बहुत ही लाइट ब्राइट रेंज का कलर है, उसके साथ ग्रीन कलर का पत्ती यूज़ किया गया एंड पिंक कलर का फ्लावर यूज़ किया गया। सेम तरीके से बाकी डिज़ाइन में भी सेम तरीके से वही किया गया, पत्ती में जो कि ग्रीन कलर का है तो फ्यूरोजेस टाइप का ग्रीन लिया गया है एंड फ्लावर में गोल्डन कलर या तो ऑरेंज टाइप का कलर लिया गया। तो बेसिकली आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा जो कि हमने कॉम्बिनेशन बनाया, जो कि हमने पूरा एक एक डिज़ाइन में अलग अलग एक कॉम्बिनेशन करके पूरा मैचिंग क्रिएट किया है, तो उसमें फ्लावर कॉन्ट्रास्ट यूज़ किया गया है, उसका जो पत्ती है वो भी मोनो कॉन्ट्रास्ट टाइप का लिया गया एंड बैकग्राउंड एकदम फुल ऑफ कॉन्ट्रास्ट लेके गया। उसका मैं पूरा आपको टिल करके दिखाता हूँ, अरेंज टिल ऑल वर्टिकल कर देते तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको पहले थोड़ा सा इसको सजा देता हूँ, इसको पहले तो साइज अप कर लेते हैं। साइज अप करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, जेड दबाना है जो कि जूम वाला बटन रहता है, उसमें जाकर राइट क्लिक करना है एंड प्रिंट साइज कर देना है, या तो आप वहाँ से फिट फिट ऑन स्क्रीन भी कर सकते हो, फिट ऑन स्क्रीन एंड इसमें भी जाकर फिट ऑन स्क्रीन, 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 तो पूरा डिज़ाइन आपका फिट ऑन स्क्रीन हो गया एंड उसमें जो गाइडलाइन है उसको आप हटा सकते हैं फिलहाल के लिए, कंट्रोल एज कंट्रोल एज कंट्रोल एज कंट्रोल एज एंड कंट्रोल एज, तो पूरा गाइडलाइन हमारा हट गया। सो बेसिकली इसमें हमें डिज़ाइन का लुक ऐसा दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया एंड कलर मैचिंग भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन में आप कलर मैचिंग के साथ कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छे तरीके से करके पूरा डिज़ाइन प्रेजेंट कर सकते हैं कस्टमर के सामने। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि इस डिज़ाइन में जो भी आपने डिज़ाइन देखा, जो व्हाइट रेंज का डिज़ाइन है या तो जो लाइट रेंज का डिज़ाइन है, उसमें आपने देखा कि जो फ्लावर हमने यूज़ किया एकदम व्हाइट नहीं है, आपको प्योर व्हाइट टाइप का फ्लावर नहीं कलर नहीं लेना है, लाइट रेंज का कलर लेना है, बहुत ही लाइट टाइप का फ्लावर लेना है एंड उसके साथ साथ कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा कलर, जैसे कि ये वाला जो फ्लावर लिया गया छोटा छोटा फ्लावर है उसमें रेडिश फ्लावर है, इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, रेड भी दिख रहा है, लाइट कलर भी दिख रहा है, ग्रीन भी दिख रहा है, उसका कॉन्ट्रास्ट जो कॉम्बिनेशन है येलो वो भी दिख रहा है, तो हमें तीनों चीज़ यहाँ पे सफिशियंट हो रहा है, मतलब हमें अगर ब्राइट कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है उसके लिए ये परफेक्ट टाइप का पूरा कॉम्बिनेशन बना के पूरा डिज़ाइन प्रेजेंट किया गया। सो इस टाइप का कोई भी डिज़ाइन में आप अच्छे से कॉम्बिनेशन करके अच्छे से कलर मैचिंग कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखा देता हूँ अभी एक डिज़ाइन में पूरा कम्प्लीटली कॉम्बिनेशन करके उसका मैचिंग साथ में क्रिएट करके। सो फिलहाल बंद कर देता हूँ, अभी इसको ओपन करता हूँ एंड एक डिज़ाइन जो कि आज मैं बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है एंड इसमें बहुत सारा आप कलर कॉम्बिनेशन का अलग अलग थ्योरी आते हैं वो सब मैं अप्लाई करके पूरा मैं आपको बता दूंगा एंड इसमें बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन रखा हुआ जो कि बैकग्राउंड व्हाइट है एंड एक थ्री टाइप का डिज़ाइन है, बहुत पहले बनाया गया था शायद कोई जूनियर डिज़ाइनर बनाया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा जो भी है। सो ये डिज़ाइन सिंपल है, बहुत सोबर टाइप का डिज़ाइन है, इसमें फ्लावर जो है बहुत ही ब्राइट टाइप से दिख रहा है, 3D टाइप का फ्लावर लिया गया था एंड बैकग्राउंड बहुत ही व्हाइट है। तो हम अगर इसमें कॉम्बिनेशन क्रिएट करने जाए मैचिंग करने के लिए तो हमें पहले कॉम्बिनेशन क्रिएट करना पड़ेगा, तो हमें अगर ब्राइट रेंज क्रिएट करना है तो उसको बैकग्राउंड में ब्राइट कलर लेना है एंड उसकी कॉन्ट्रास्ट में उसी का मोनो कॉन्ट्रास्ट में फ्लावर लेना है एंड मोनो कॉन्ट्रास्ट में पत्ती यूज़ करना है लीफ का जो कलर है एंड उसके बाद जो सपोर्टिंग कलर है वो तो आप अपने आप मैनेज हो जाएगा फ्लावर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये सपोर्टिंग कलर इसके हिसाब से यहाँ पे लिया गया था, तो वो कलर अपने आप मैनेज हो जाएगा, जब हम कलर बैलेंस में कलर चेंज करने जाएंगे तो अपने आप हो जाएगा। तो सिंपली हमें इसको बैकग्राउंड में जाके इसको चेंज करना है, बैकग्राउंड में हमने पिंक कलर ले लिया बहुत ही ब्राइट कलर जो है एंड उसके बाद हमें इसको ऑरेंजेस पे जाना है, उसको फ्लावर को ऑरेंजेस टोन पे लेके जाना है जो कि ये फ्लावर थोड़ा सा अलग ही टोन है, तो इसको चेंज करने के लिए क्या क्या प्रोसेस लेंगे स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे से देख लीजिए, यहाँ से वीडियो बहुत ही अच्छे से बहुत ही बारीकी से देखिए, चाहे तो आप स्लो करके देखिए चाहे तो आप रिपीट देखिए, बट यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको कलर कॉम्बिनेशन करना आ जाएगा। सिंपली हम लेयर में जाएंगे, कंट्रोल दबाकर उसको सिलेक्शन लेंगे, पूरा कंट्रोल दबाकर हमने सिलेक्शन ले लिया, देन हम आएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल काम हमारा होगा कलर बैलेंस करना, बिकॉज कलर बैलेंस किस लिए करना है, क्योंकि हमारा जो कलर का टोन है जो कि फ्लावर का कलर टोन है वो अलग है, ऑरेंजिस टाइप का नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कलर बैलेंस करना पड़ेगा। और एक कारण क्या है, जो फ्लावर में इसमें कलर है बहुत ही डस्टी एंड बहुत ही लाइट रेंज का कलर है, तो हम अगर ह्यूज सेचुरेशन में जाए इसको कलर चेंज करने जाएंगे ना तो इसका कलर चेंज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज इसमें कलर बहुत कम है, इंटेंसिटी कम है, तो इसलिए कलर का
रेंज बढ़ाने के लिए, कलर की इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हम कलर बैलेंस यूज़ करेंगे, देन उसके बाद ह्यू सैचुरेशन यूज़ करेंगे। तो कलर बैलेंस में जाएंगे एंड मिड टोन में जाकर थोड़ा सा रेडिस ऐड करते हैं, थोड़ा सा येलोइस ऐड करते हैं एंड शैडो में भी जाकर वही सेम तरीका कर, थोड़ा सा रेडिस एंड थोड़ा सा येलोइस ऐड कर दिया तो उसमें थोड़ा सा कलर का इंटेंसिटी आ गया। ओके एंड उसके बाद हम जाते हैं कि कंट्रोल दबाएंगे, फिर से सिलेक्शन लेंगे, उसके बाद ह्यू सैचुरेशन लेंगे। सो हमने ह्यू सैचुरेशन लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसको जो भी कलर है उसको ऑरेंजेस की तरफ लेके जाना है। तो ऑरेंजेस की तरफ लेके जाना हो तो क्या करेंगे हम, उसको पिंक है या तो पिंकिश टाइप का कलर है उसको पहले मजेंडा में जाते हैं, उसको फिर मजेंडा को ऑरेंजेस करना है तो क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे मजेंडा है उसके बाद रेड है देन ऑरेंज है, तो आपको थोड़ा सा राइट की तरफ लेके जाना है। सो मजेंडा को हमने ऑरेंज कर दिया, अब यहाँ पर ज़्यादातर मजेंडा कलर है ही नहीं तो इसलिए ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। फिर हम रेड में जाते हैं एंड रेड में जाके वही सेम प्रोसेस करना है, रेड का थोड़ा सा इधर लेके आएंगे तो ऑरेंज कलर हो गया। एंड अभी ज़्यादा चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इंटेंसिटी कम है, तो हम इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, लाइटनेस को कम करेंगे एंड सेचुरेशन को बढ़ाएंगे। ठीक है, सो इस तरीके से कलर का इंटेंसिटी आ गया एंड उसके बाद क्या करेंगे हम मजेंडा में भी जाएंगे सेम तरीके से, लाइटनेस कम करेंगे एंड सेचुरेशन बढ़ाएंगे। तो हमारा जो कलर का रेंज हो गया वो इंटेंसिटी हिसाब से आ गया, उसका जो कलर ऑरेंज टाइप का हमें कलर रेंज चाहिए फ्लावर में तो वो यहाँ पे अभी दिख रहा है। एंड उसको थोड़ा सा और डार्क करने के लिए हम कर्व लेयर कर लेंगे, जो कि माय फेवरेट एडजस्टमेंट लेयर, बहुत ही काम आता है कर्व लेयर का। सो कर्व एडजस्टमेंट लेयर ले लेंगे एंड उसके पहले जो काम मुझे लग रहा है उसमें जो पत्ती का कलर है वो थोड़ा सा वाइब्रेंट लग रहा है, जो येलो बहुत ज़्यादा आँख में लग रहा है, तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, येलो में जाएंगे, सैचुरेशन थोड़ा सा कम करेंगे उसको जो, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ग्रीन को भी थोड़ा सा इसका इंटेंसिटी कम कर दिया, थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का लेके आ गया, सैचुरेशन भी थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है, एंड ग्रीन में भी जाके वही चीज़ करना है, थोड़ा सा इसको ब्राइट करना है एंड येलो में भी जाके थोड़ा सा ब्राइट कर देंगे। ठीक, अभी एकदम सोबर टाइप का लग रहा है कलर। फिर हम जाएंगे कर्व लेयर लेंगे एंड कर्व का एडजस्टमेंट लेयर लेके इसको थोड़ा सा इंटेंसिटी डार्क करने की कोशिश करते हैं एंड देन इसको थोड़ा सा लाइट कर दें, दैट्स परफेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से तीन एडजस्टमेंट लेयर हमने यहाँ पे लिया, इसको ग्रुप कर देते हैं। फिलहाल आपको दिखा देता हूँ बिफोर एंड आफ्टर, ये पूरा पहले का पोजीशन था, पिंकिश टाइप का, वायलेट टाइप का थोड़ा सा दिख रहा था एंड उसके बाद हमने इसको ऑरेंजिस टाइप में पूरा टोन चेंज कर दिया। तो हमारा काम हो गया कि हमने बैकग्राउंड पिंक लिया एंड ऑरेंजिस टाइप का फ्लावर ले लिया, तो एक कॉम्बिनेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन करना है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन करेंगे तो ही मैचिंग क्रिएट होगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन करने के लिए हम इमेज में जाएंगे एंड डुप्लीकेट करेंगे एंड उसका जो शॉर्टकट है अल्टर आई एंड डी करेंगे तो शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। एंड शॉर्टकट क्रिएट करने का एक फॉर्मूला जो कि फोटोशॉप ने दिया हुआ आपको बता देता हूँ। अल्टर का जब हम दबाते हैं, अल्टर दबाने से पहले यहाँ पे देखिए आपको हर एक ऑप्शन का जो मेनू बार में जो ऑप्शन है वहाँ पे नीचे ग्रिड लाइन आ रहा है, जो नीचे लाइन आ रहा है, तब अल्टर दबाएंगे जो ऑप्शन आपको जाना है, तो आई दबाना है तो आई में जाएंगे इमेज में एंड आपको फिर अल्टर दबा के रखेंगे, फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डी डुप्लीकेट का डी, तो आप डी डी दबा देंगे तो शॉर्टकट वो क्रिएट हो जाता है अपने आप। तो इस तरीके से कोई भी शॉर्टकट होता है जब मैं आपको बताता हूँ, सो डुप्लीकेट कर लिए। सो अभी दूसरा जो मैचिंग क्रिएट करना है वो हम पिंक एक बार ले लिया बैकग्राउंड में, हम और क्या क्या ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं, फिरोजा ले सकते हैं, तो फिलहाल हम रेड ले सकते हैं, रेड ले लेते हैं, सिंपली हम रेड ले लेते हैं, इसको हम पहले रेड चेंज कर देते हैं एंड रेड ले लिया एंड उसके बाद रेड के साथ कौन सा जाएगा, रेड के साथ हम जैसे पिंक में ऑरेंज लिया तो रेड के गोल्ड जा सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं हम सिंपली, रेड में हम गोल्ड ले सकते हैं, रेड में इसको गोल्ड कर लिया, एकदम प्योर गोल्ड लेमन इस टाइप का जो गोल्ड आता है वो गोल्ड हमने ले लिया। ठीक है, एंड पत्ती हम बाद में देखेंगे क्योंकि वो सपोर्टिंग कलर है, अपने आप चेंज होगा अपने हिसाब से देख लेंगे। सो हम इसको फिलहाल गोल्ड कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं बैकग्राउंड में, ओहो बैकग्राउंड कलर तो चेंज नहीं किया, सो इसको बैकग्राउंड कलर पहले चेंज कर लेते हैं रेड। ओके, सो इसको बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर लिया रेड, देन हम इसको गोल्ड करना, अब गोल्ड करना ऑरेंज को गोल्ड करना बहुत ईजी है, हम इसके ऊपर फिर से एक ह्यू सैचुरेशन का लेयर ले लेंगे एंड रेड में जाके इसको गोल्ड कर देंगे सिंपली, दैट्स ऑल। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं एंड उसके बाद जो ग्रीन का है वो ग्रीन एंड गोल्ड मिक्सअप हो रहा है, तो उसके लिए सॉल्यूशन है वो आप ऐसा कर सकते हैं, जो हमारा ऑरेंज जगह गोल्ड कलर है येलोइश टाइप का उसको आप ग्रेइश टाइप का ले जा सकते हैं, देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है कि नहीं। सो इस तरीके से कलर आप ले सकते हैं एंड जो कि ज़्यादातर आँख में लग रहा है गोल्ड कलर उसका हम और एक सॉल्यूशन है, रेड में जाएंगे उसका जो ब्राइटनेस थोड़ा सा कम करेंगे, सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो क्या होगा एक बैलेंसिंग कलर आपका यहाँ पे आ जाएगा। सो इस तरीके से कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ पे जाके एक और एक एडजस्टमेंट लेयर लेके कलर बैलेंस लेके, सॉरी कलर बैलेंस लेना है, कलर बैलेंस में जाना है एंड उसके बाद जो हाईलाइट टोन है वहाँ पे भी आप येलो टोन ले सकते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे थोड़ा सा और वाइब्रेंट हो रहा है और अच्छा दिख रहा है। सो इस तरीके से कोई भी एक दूसरा मैचिंग क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इस वाला हमारा मैचिंग क्रिएट हो गया तो ग्रीन के साथ, ग्रीन की जगह पर ये ग्रे हो गया,
एंड इसका मैचिंग क्रिएट हो गया, ग्रे, लेमन एंड रेड। सो दो मैचिंग हमारा क्रिएट हो गया। सो अभी हम नेक्स्ट में जाते हैं, उसका दूसरा मैचिंग निकालते हैं, तीसरा मैचिंग अल्टर आईडी हम डुप्लीकेट कर लिए। अब दूसरा मैचिंग कौन सा है, हम ग्रीन ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं क्योंकि ग्रीन के साथ हम रेड का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। एंड अब दूसरा कोई भी ऑरेंज ले सकते हैं, चलो ऑरेंज ले लेते हैं। ऑरेंज में हम कौन सा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, ऑरेंज में हम पिंक का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। सो ऑरेंज कलर लेते हैं, सो ऑरेंज ले लेते हैं। अब ऑरेंज कलर लेने के लिए फिलहाल इसको हम सिलेक्ट करेंगे एंड सेम तरीके से ऑरेंज लेते हैं। एंड ऑरेंज कलर यहाँ पे ले लिया, ऑरेंज तो हमने ऑरेंज कलर ले लिया। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे पिंक कलर लेना है तो पिंक कलर ले लिया यहाँ पे, एंड हमने यहाँ पे पिंक कलर ले लिया। ओके सो हमने यहाँ पे पिंक कलर ले लिया। सो अभी हम इसको कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने क्या करेंगे, जो हमने पहले का जो कलर चेंज किया था उसको हम फिलहाल बंद कर देते हैं बिकॉज वो वाला रेड के लिए था। अभी दूसरा कलर चेंज करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से ह्यू सैचुरेशन में जाएंगे। उसके ह्यू सैचुरेशन में जाके जो कलर है जो हमारा रेड कलर था उसको चेंज करना है। एंड उसके पहले हमें बैकग्राउंड कलर का चेंज करना है, तो ऑरेंज कलर हमने बैकग्राउंड ले लिया। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें पिंक कलर का टोन चेंज करना है, तो रेड में जाएंगे। रेड में जाने के बाद उसको पिंक की तरफ लेके आना है, दैट्स ओके, दैट्स परफेक्ट। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हैं एंड ह्यू सैचुरेशन को अच्छे से आप यूज़ कर पाएंगे। ह्यू सैचुरेशन को आप अच्छे से अगर यूज़ जान जाएंगे तो कुछ भी कलर आप कहीं पर भी डाल सकते हैं, हो गया। एंड अभी हमारा दूसरा एक थोड़ा सा अलग कॉन्ट्रास्ट में जाते हैं, एकदम कॉन्ट्रास्ट मैचिंग में जाते हैं, वो कि ब्लू कलर या तो हम फिरोजा कलर लेते हैं, जो कि हमारा गोल्ड हो गया, ग्रीन हो गया, गोल्ड हो गया, पिंक हो गया, तो एक सेम रेंज का कलर हो जा रहा है, तो हम इसको ब्लू कलर ले जाते हैं एंड ग्रीन कलर का भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो हम ग्रीन करते हैं एंड ब्लू करते हैं अल्टर आईडी, तो हमने ब्लू कलर का फिरोजा कलर का बैकग्राउंड ले लिया, फिरोजा कलर का बैकग्राउंड ले लिया। एंड उसके साथ फिरोजा में कौन सा कलर जा सकते हैं, फिरोजा में कलर जा सकते हैं रेड कलर जा सकते हैं फिरोजा के साथ, जो कि फिरोजा का कॉन्ट्रास्ट मैचिंग रेड है। कलर व्हील्स में आपको पता ही होगा शायद, आपको नहीं पता तो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। कलर व्हील खोलना है एंड कलर व्हील का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है गाइस, क्योंकि कलर व्हील्स का जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज कलर व्हील्स के बिना कोई भी मैचिंग आप अच्छे से क्रिएट कर ही नहीं पाएंगे। एंड मैं एज अ डिजाइनर मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, आप अगर एक कलर व्हील्स को अच्छे से सीख जाएंगे तो आपका कोई भी मैचिंग में कोई भी कलर कॉम्बिनेशन करना हो तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बहुत ही इजीली एंड बहुत ही फास्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए कलर व्हील्स को लेके आप प्रैक्टिस करिए एंड उसके साथ साथ कॉम्बिनेशन बनाने के टाइम आप पहले कॉम्बिनेशन बनाइए, कलर व्हील्स को देख के करिए या तो कलर व्हील्स को याद करके करिए। बेसिक बात यही है, कलर व्हील्स को आपका दिमाग में छप जाना चाहिए, तभी आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना पाएंगे, तभी आप एक अच्छा कलर ब्राइटनेस एंड कलर ब्रिलियंस के साथ कलर मैचिंग क्रिएट कर पाएंगे। तो जैसे हमको बताया कि रेड का ऑपोजिट कलर साइन आता है, तो हम साइन के साथ रेड का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। सो हमने यहाँ पे फिरोजा कलर का बैकग्राउंड लिया, उसके बाद हम यहाँ पे रेड ले सकते हैं, जैसे कि फिरोजा ले लिया यहाँ पे एंड उसके बाद हम यहाँ पे रेड ले सकते हैं। सो यहाँ पे हमने रेड कलर का फ्लावर ले लिया, ठीक है। एंड उसके बाद जो ग्रीन है या तो ग्रे पत्ती है या तो कुछ भी हम ले सकते हैं, उसका कोई मैटर नहीं करता। सो फिलहाल हम इसको ग्रे रेड करेंगे, तो रेड करने के लिए क्या करना है, हमें इसको पहले वो कर देना है, उसके बाद हमें रेड करना है। अब ऑरेंज को रेड करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसको रेड की तरफ लेके गया, इसको थोड़ा सैचुरेशन कम किया एंड पिंक का जो है वो भी थोड़ा सा इसको रेड की तरफ लेके आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो कि मजेंडा टाइप का टोन है वो हमें चेंज करना पड़ेगा, रेड की तरफ ही लेके आना है। एंड और कौन सा टोन है, येलो टाइप का जो टोन है वो भी चेंज करना है। सो बेसिकली ये रेडिश टाइप का एक रेंज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, रेडिश टाइप का टोन यहाँ पे आ गया है। सो हम यहाँ पे पिंक के साथ रेडिश टाइप का टोन ले सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखा था, और आपका दूसरा कॉम्बिनेशन गेट करने कर सकते हैं, आप मोनोक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दूसरा कलर व्हील खोल के फिर से दिखा देता हूँ, कलर व्हील में जो कि फिरोजा के साथ आप फिरोजा के साथ ब्लू का भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, फिरोजा एंड ब्लू का भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, जिसमें ब्लू कलर का भी आप कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं। तो रेड के लिए आप ब्लू भी डाल सकते हैं। ब्लू के लिए आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली फिर से जाना है, उसमें कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है। इसको मैं फिलहाल बंद करता हूँ रेड लिख के एंड उसमें ब्लू का दूसरा एक नया ह्यू सैचुरेशन देते हैं। फिर इसको जो येलो कलर है उसको हमें अगर ब्लू करना है तो क्या करना है, जस्ट ह्यू सैचुरेशन को घुमाना है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आना है, मतलब पूरा बाएं तरफ लेके जाना है लेफ्ट में, पूरा हमें लेफ्ट में लेके आया। तो ये देखिए यहाँ पे ब्लू का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ गया, तो ये क्या थोड़ा सा मजेंडाइज ब्लू है, थोड़ा सा हमें और ब्लू स्ट्रिप को लेके जाना है, तो ये ब्लू का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ गया। एंड इसको आप बंद करके देखेंगे, देखिए ये वाला जो कलर टोन है वो थोड़ा सा येलो टाइप का है, इसीलिए वो मजेंडाइज टाइप का दिख रहा था, हमें येलो को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो येलो में गए एंड उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला कलर भी चेंज किया, ओके। एंड उसके बाद येलो का हम थोड़ा सा लाइट रेंज में लेके आएंगे, तो ग्रे हो गया। एंड पता ही है हमें, अगर कोई भी कलर में हमें अगर पत्ती में यूज़ करना है ग्रीन के जगह पर, हम ग्रे बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। फिर हम ग्रीन में जाएंगे, इसको हम लाइट थोड़ा सा बढ़ा देंगे
एंड इस तरीके से आप कोई भी एक डिज़ाइन में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से देखिए फिरोजा एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन ला सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे रेड में गए, रेड में जाके इसका जो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा इसको डार्क कर सकते हो तो कि थोड़ा मैचिंग और भी बढ़िया लगे। सो इस तरीके से रेड भी कर सकते हैं एंड आप ब्लू भी कर सकते हैं, ब्लू के साथ भी ये मैचिंग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप ये वाला जो मैचिंग हो वो ब्लू एंड फिरोजा का मैचिंग हो गया, सो ब्लू एंड फिरोजा, तो इसको फिलहाल ब्लू कर देते हैं, ठीक है। सो ये मैचिंग हो गया ब्लू फिरोजा का। दूसरा जो मैचिंग है वो करते हैं हम ग्रीन का, क्योंकि सब में मैं इसलिए अलग अलग करके दिखाता रहा हूँ ताकि आपको फ्लावर का जो कलर है, फ्लावर का जो कॉन्ट्रास्ट कलर है वो भी आपको पता चले। सो इसमें ग्रीन का मैचिंग करना है तो इसमें ग्रीन लेना है, यानी ग्रीन में जब भी आपको ग्रीन लेना है, मैं आपको बता दूंगा गाइस, ग्रीन में एकदम सैचुरेशन, हाई सैचुरेशन वाला ग्रीन बहुत ही कम यूज़ होता है, आप ले सकते हैं, बट उसमें क्या होता है, ग्रीन को जब भी हम आफ्टर प्रिंट क्या होता है वो लाइट पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा इसका जो डार्क कलर है वो हम लेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो हम इसको थोड़ा सा डार्क कलर लेते हैं, तो ग्रीन कलर ले लिया एंड इसमें हम फिलहाल आराम से रेड कलर का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, बिकॉज ग्रीन के साथ भी रेड जा सकते हैं एंड बिकॉज जो कि हमारा कलर व्हील में भी बताते हैं कि मोनो कॉन्ट्रास्ट में हम ग्रीन के साथ रेड ले सकते हैं बहुत ही ईजिली, जैसे कि ग्रीन एंड रेड, ठीक है। सो इसमें हम ग्रीन काम लगा देंगे, रेड का रेड कलर लगा दिया, बस सिंपली हमारा पांच मैचिंग आराम से क्रिएट हो गया। पूरा मैं आपको मैचिंग का जो वर्टिकली करके पूरा दिखा देता हूँ, आपको भी पता चल जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए आपको इसको आप फिट टू प्रिंट साइज नहीं तो फिट टू स्क्रीन एंड फिट टू स्क्रीन, फिट ऑन स्क्रीन, फिट ऑन स्क्रीन, फिट ऑन स्क्रीन, ठीक है। देखिए पूरा जितना भी आपने यहाँ पे मैचिंग क्रिएट किया हुआ है बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। हर एक डिज़ाइन में अलग अलग फ्लावर है, हर एक डिज़ाइन में अलग अलग बैकग्राउंड में, इस तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन में ब्राइट कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो, ब्राइट मैचिंग निकाल सकते हैं। एंड यहाँ पे जितना भी पॉसिबिलिटीज है गाइस, जितना भी आपका कलर कॉम्बिनेशन, सब में आप कलर ले सकते हैं एंड उसमें सब में उसका कॉन्ट्रास्ट कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं बहुत ही ईजिली कलर व्हील्स के बदौलत। कलर व्हील्स में जाएंगे एंड आप अगर सिंपली आपको अगर वायलेट कलर का लेना है, जैसे कि कलर व्हील खोलते हैं एंड वायलेट कलर का सिंपली अगर बैकग्राउंड लेना है तो वायलेट के साथ कौन सा कलर, मोनो कॉन्ट्रास्ट में जा सकते हैं, मोनो कॉन्ट्रास्ट में इस टाइप का कलर जा सकते हैं, ऑरेंजेस एंड ग्रीन इस टाइप का, उसको ऑपोजिट कलर ग्रीन जा सकते हैं, उसमें आप जो कि फैमिली कॉन्ट्रास्ट है वो कैसे जा सकते हो कि ब्लू एंड रेड ले सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप कलर उसके बदलते कॉम्बिनेशन निकाल पाएंगे और अपना डिज़ाइन में यूज़ कर पाएंगे। सो लेट्स टाइम फॉर रिव्यू। सो अभी तक आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो आपको थोड़ा सा हक बनता है कि और थोड़ा सा नॉलेज मिले और थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन मिले, तो उसके लिए मैं आपको रिव्यू का कुछ डिज़ाइन दिखा देता हूँ, जो कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है तकजीटेस का, तो उसमें बहुत सारे डिज़ाइनर है जो कि फ्रेशर है, बिगिनर है, वो लोग जुड़ा हुआ है, कुछ एक्सपीरियंस डिज़ाइनर भी जुड़ा हुआ है। तो कुछ हम लोग कोशिश करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि जो भी फ्रेशर है, बिगिनर है, उनको थोड़ा हेल्प करें डिज़ाइनिंग के बारे में, जो भी प्रॉब्लम है उनको सोल्यूशन देने का कोशिश करें। तो मैं कुछ डिज़ाइन उन्होंने भेजा था उसका मैं ग्रुप में भी बताया, तो अभी इसमें भी बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आए एंड डिज़ाइन में और थोड़ा सा एक्यूरेसी कैसे ला पाएंगे वो आप समझ पाएँ। मैं उसको डिज़ाइन में कुछ खोलता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे रिव्यू में कुछ डिज़ाइन रखा हुआ है, जैसे बहुत सारा डिज़ाइन आया हुआ था, उसमें से कुछ डिज़ाइन है डार्क कॉम्बिनेशन का, कुछ डिज़ाइन डस्टी कॉम्बिनेशन का है, तभी फिलहाल के लिए जो ब्राइट कॉम्बिनेशन का वही मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये ब्राइट कॉम्बिनेशन का सेशन चल रहा है, ब्राइट कॉम्बिनेशन क्लास चल रहा है, तो उसमें ब्राइट कॉम्बिनेशन में जो डिज़ाइन आते हैं, जैसे कि यहाँ पे तीन जो उन्होंने डिज़ाइन बनाया था, तो पहला वाला जो डिज़ाइन है इसमें देखिए आपका जो ब्राइट कॉम्बिनेशन है या तो ब्राइट सोबर लाइट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो इसमें जो कॉम्बिनेशन है ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, और बेटर हो सकता था बट ओके है, चलेगा। बट एक चीज़ जो मुझे ज़्यादा तो खटर रख रहा है वो क्या है, यहाँ पे जो भी कलर उन्होंने यूज़ किया, जो भी साइड में कलर यूज़ किया, वो अगर ब्लैक कलर का यूज़ करता तो डिज़ाइन में और इन्हेंस लुक आता, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा ब्लैक कलर, या तो ब्लू कलर का यूज़ करता जो कि डार्क ब्लू कलर का, नेवी ब्लू कलर का, तो इसमें डिज़ाइन में थोड़ा सा और इन्हेंस लुक आता जितना भी आउटलाइन वाला कलर है। एंड उसके साथ जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक कि कलर का फ्रिंज आ गया, मतलब एक दूसरे कलर को मर्जिंग अच्छे से हुआ नहीं, तो वो अगर मर्जिंग अच्छे से हो जाता तो वो डिज़ाइन में और अच्छा लुक आता और बेटर रिजल्ट आता। तो बाकी का डिज़ाइन में ओवरऑल प्लेसिंग वेसिंग सब ओके है, थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन और बेटर कर सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन समझ के यूज़ करिए तो और बेटर बन सकता है। नेक्स्ट आपको दिखाता था एक ये वाला डिज़ाइन भी ब्राइट कॉम्बिनेशन का है एंड ये डिज़ाइन में थोड़ा सा ही कमजोर लग रहा है, थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है, बाकी डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से प्लेस किया गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट जो मुझे प्रॉब्लम लग रहा है वो है कि डिज़ाइन में जो फ्लावर यूज़ किया गया वो इन्हेंस नहीं हो रहा, वो बाहर नहीं आ रहा, तो इसमें जो फ्लावर यूज़ किया उसको थोड़ा सा जो व्हाइट है उसको और थोड़ा सा निकाल लेते तो और थोड़ा सा ब्राइटनेस आ जाता, थोड़ा सा डिज़ाइन में और लुक अच्छा आता है। एंड दूसरा उसमें जो जो फ्लावर के साथ जो गिटार यूज़ किया गया, जो भी डार्क टोन यूज़ किया गया, तो वो थोड़ा सा और डार्क होता तो डिज़ाइन का जो लाइट एंड डार्क का जो बैलेंस है वो और अच्छा बैठ पाता। बिकॉज बहुत साल पहले मैं एक आर्टिस्ट के पास गया था स्केच करवाने के लिए एक डिज़ाइन में, तो उन्होंने एक चीज़ मुझे समझाया था, एक चीज़ मुझे सीखा था उनसे कि कोई भी डिज़ाइन हो या तो कोई भी स्केच हो, कोई भी आर्टिकल्चर हो, कोई भी आर्ट हो, बेसिकली कोई भी हैंडमेड चीज़ हो जो कि डिज़ाइन हो या तो आर्ट हो, उसमें हमारा जो ज़्यादातर नेचुरल इफेक्ट हम दे पाते हैं तभी जब उसमें लाइट एंड डार्क का प्ले हम बैलेंसिंग तरीके से कर पाए। तो
तो बेसिकली आपको लाइट कलर एंड डार्क कलर एंड जो मीडियम या तो ब्राइट कलर हम यूज़ कर रहे हैं उसका जो बैलेंस है उसको आपको अच्छे से देना पड़ेगा। कोई भी डिजाइन में आपको लाइट कलर भी दिखना चाहिए 10% या तो 5% या तो 20% जितने हिसाब से, व्हाइट कलर या तो एकदम लाइट कलर एंड उसमें साथ साथ डार्क कलर भी होना चाहिए कोई भी डिज़ाइन में, तभी एक डिज़ाइन का जो बैलेंसड लुक आता है तभी वो डिज़ाइन आफ्टर पेंट बहुत ही अच्छा रिजल्ट ला पाता है। सो वो चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। डिज़ाइन में ये वाला पोर्शन जो है ये वाला पोर्शन को आप थोड़ा सा ब्राइट कर सकते हैं एंड बाकी का जो ओवरऑल पोर्शन है उसको थोड़ा सा आप डार्क कर सकते हैं सिलेक्टिव कलर लेके, ब्लैक का थोड़ा सा पोर्शन बढ़ा के या तो आप रेड में या तो ब्लू में जाके थोड़ा सा ब्लैक पोर्शन बढ़ा के। तो बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूँ कंसेप्ट, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको कोई भी डिज़ाइन में लाइट एंड ब्राइट एंड डार्क कलर को अच्छे से प्ले करना है। एंड उसके बाद ये वाला जो डिज़ाइन है इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम लग रहा है मुझे कि डिज़ाइन में जो बैलेंस है वो अच्छे से हुआ नहीं है, डिज़ाइन एकदम फ्लैट लग रहा है। आपने जो कलर रेंज यूज़ किया है यहाँ पे मीडियम ब्राइट रेंज का या तो मीडियम ब्राइट रेंज या तो सोबर ब्राइट रेंज का कलर यूज़ किया है, उसके साथ आपने जो फ्लावर का कलर यूज़ किया वो थोड़ा सा डस्टी डार्क का कलर है एंड जो आपने ये वाला फ्लावर का उसमें जो कलर बैक एक्चुअल में जो कलर है वो डार्क लाइक के इफेक्ट नहीं दिख रहा है। आपका डिज़ाइन में वो इफेक्ट होना चाहिए कोई भी डिज़ाइन हो, उसमें अगर पत्ती अगर थोड़ा सा डार्क कर देते इसमें जो अंदर का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा डार्क कर दे, या तो जो बैकग्राउंड है उसकी जगह पे आप अगर एकदम सोबर लाइट का बैकग्राउंड देते या तो एकदम डार्क कलर का बैकग्राउंड देते जो कि पेस्टल डार्क हो गया तो और एनहेंस लुक आता डिज़ाइन में और अच्छा रिजल्ट आ सकता था। सो इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन में आप अच्छा लुक ला सकते हैं, अच्छा क्रिएटिविटी ला सकते हैं अपना कलर कॉम्बिनेशन को अच्छे से अप्लाई करके। सो आई होप गाइस पूरा कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कलर कॉम्बिनेशन का, कैसे आप एक ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। देन आप एक वही कॉम्बिनेशन से अलग अलग मैचिंग क्रिएट कर सकते हैं। वैराइटीज ऑफ कॉम्बिनेशन को ही मैचिंग कहा जाता है, बहुत सिंपल है। तो आप कॉम्बिनेशन अच्छा बना पाएंगे तो आप मैचिंग भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि मैचिंग का मतलब ये है कि आपको अच्छे से कॉम्बिनेशन करना आना चाहिए। इसलिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कैसे आपको कॉम्बिनेशन करना है, कैसे कलर हार्मोनी को समझना है, कैसे आपको कलर थ्योरी को समझना है, फिर कलर कॉन्टेक्स्ट को समझना है। तो ये सब अच्छे से देखिए, उसमें से आपको समझ आ जाएगा। पूरा वीडियो को एक बार में नहीं समझ आया, दो तीन बार देखिए एंड उसके बाद भी नहीं समझ आया कोई प्रॉब्लम नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए जो भी प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का हेल्प करने के। एंड उसके साथ हमारा जो पेज है इंस्टाग्राम में, जो फेसबुक में पेज है, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स को लेके आ सकते हैं, मैं उसको कोशिश करूंगा हेल्प करने का। एंड हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें भी आप ज्वाइन करिए, जो भी बहुत सारा एग्जिस्टिंग डिजाइनर है वो भी ज्वाइंट है, जो फ्रेशर है बिगिनर है वो भी ज्वाइंट है। तो सब अपना एक दूसरे को हेल्प करके हम जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड गाइस मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो एम है वो यही है कि जितना भी इंडिया में डिज़ाइनर है तो सबको मैं सपोर्ट कर पाऊँ, सबको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, जो छोटा से छोटा डिज़ाइनर है, जो बड़े डिज़ाइनर है, जो स्ट्रगलिंग डिज़ाइनर है, सबका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो मैं कोशिश करूँगा मैं अपने हिसाब से सॉल्व करने का, सबको सपोर्ट करने का। तो वो अकेले शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आप लोग अगर मेरे साथ जुड़ेंगे, आप लोग शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, हेल्प करने का मेंटेलिटी रख के दूसरे के साथ कोशिश करके जुड़ के बहुत एक ग्रुप बना के बहुत बड़ा कम्युनिटी बना के हम अगर एक डिज़ाइन फील्ड में आगे बढ़े तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। बिकॉज अभी का जो सिचुएशन है गाइस बहुत सीरियस होने वाला है, बिकॉज कोरोना वायरस के बाद जो हमारा मार्केट का सिचुएशन होगा वो बहुत ही टफ होगा, तो उसमें कंपटीशन और भी बढ़ने वाला है, उसमें रिसेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो उसके कारण हमारा जो कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन, हमारा जो डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे से डेवलप करना है, तभी हम अच्छा डिज़ाइन दे पाएंगे मार्केट में, तभी डिज़ाइन का जो क्रेव है तो मार्केट में आएगा, तभी वो मार्केट उठ पाएगा आगे। तो उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए इस टाइप का वीडियो आप बहुत शेयर करिए अपना दोस्त को, अपना यार दोस्ती को, अपना जो क्लासमेट है उनको, अपना जितना भी आजू बाजू में जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है उसको शेयर करिए। आप अगर कोई डिज़ाइनिंग फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको भी वेलकम है, तो वो भी सीख के नया डिज़ाइन बना सकते हैं, क्रिएटिव आइडिया के साथ बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको बताऊंगा कलर मैचिंग में और भी जो प्रोसेस आता है, लाइट मैचिंग, डार्क मैचिंग, डस्टी मैचिंग, पेस्टल मैचिंग, सारा चीज़ मैं आपको डिटेल में कवर अप करने का कोशिश करूंगा। एंड तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी क्रिएटिव। Goodbye.